हेलो एवरीवन, आप सभी को हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्त आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। हमारे चैनल में आप सभी को स्वागत है। दोस्त दिन भर मेरा तबीयत ही नहीं सही लगा कि दिवाली के बाद इतना थकान थकान जैसे लग रहा था। दोस्तों एकदम मन नहीं कर रहा था, जैसे लग रहा था इतना काम करती इतना थकान थकान, क्योंकि दिवाली के बाद जस्ट बहुत तबीयत मेरा एकदम ख़राब जैसे हो गया था। कल दिन भर फ़ोन तो हम छुए ही नहीं हैं, बस दिवाली का थोड़ा सा जो था वीडियो अपलोड किए हैं। अगर आप लोग दिवाली के मेरा वीडियो नहीं देखी होंगी तो जाइएगा देख लीजिएगा, बहुत अच्छा वीडियो बनाए हैं, बहुत सुंदर। लिंक इसमें डाल देंगे, आप लोग एक बार ज़रूर दिवाली का देखिएगा, कितना अच्छा वीडियो बनाए, बहुत सुंदर बनाए हैं। और उसके बाद तो मेरा तबीयत ही ख़राब हो गया। और आज हम बना रहे हैं कि मंगलवार को गोयती लगा, सूर्य ग्रहण लगा था। अब लो देखिए सूर्य ग्रहण बहुत लंबा ग्रहण था, और इस बार तो सूतक भी लगा था ग्रहण में। सूतक पहले 12 घंटा पहले सूतक लग जाता है, जो कि ग्रहण 4:09 में स्टार्ट हुआ था और 6:16 में ग्रहण ख़त्म हुआ था। चलिए जिन लोग प्रेग्नेंट हुए होंगी उन लोग को तो बहुत परेशानी हुआ होगा, क्योंकि सूतक काल से ही उन लोग को बनाना पड़ता है। सूतक काल यानी दूसरे देश में पहले लग जाता है, विदेश उदेश में पहले लग गया था और यहाँ लगा था शाम को। चलिए कोई बात नहीं, जो लोग प्रेग्नेंट हुए उन लोग के लिए तो बहुत प्रॉब्लम हुआ होगा। बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो प्रेग्नेंट हैं, उन लोग को बहुत परेशानी भी हुआ, क्योंकि थोड़ा बहुत देखे उन लोग वीडियो भी डाली हुई हैं। चलिए कोई बात नहीं, और मेरी बेटी यहाँ सोई है, मेरा सारा काम वाम भी हो गया, पूजा पाठ भी हो गया, और मैं फूल के माला भी बनाए, अच्छा से पूजा गोवर्धन पूजा किए हैं, क्या कृष्ण भगवान का हम पूजा बस किए हैं, और क्या घर पे पूरे अच्छा से मनता है। यहाँ तो बस ऐसे ही घर पे रहते तो पूरे अच्छे से होता है धूमधाम से, और यहाँ रहिए तो अपना शहर में कुछ पता ही नहीं चलता है यहाँ के बारे में, और घर पे तो हर चीज़ पता चलता है। हर त्यौहार में एकदम बहुत अच्छा लगता है, और बाहर रहिए इतना घर से दूर कि कोई त्यौहार में भी ना जा पाइए, क्योंकि बहुत दूर है ना। तो अभी जस्ट हम लोग आए हैं, होली बाद आए हैं, तो अब सोच रहे हैं कि अब क्या इतना जल्दी जल्दी, और दो को बच्चा लेकर जाना बहुत प्रॉब्लम होता है जाने में, और छोटे छोटे बच्चा है, आना जाना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए चल सोचे कि जाएंगे। और कुछ कृति भी छोटी है और ठंडा भी स्टार्ट हो गया खास करके, इसलिए भी नहीं गए क्योंकि इसको ठंडी वंडी ना लग जाए, क्योंकि जब क्रिस छोटा था ना उसको ठंडी में ही दिवाली बाद ही आए थे, वहाँ से आने के बाद कुछ दिन क्या तुरंत इसको ठंडी लग गई थी, और इसको नमोनिया भी हो गया था। इस दोस्तों आज इसके पापा को आज तक छुट्टी है, कल से ड्यूटी जाना है, जबकि आज तक गोवर्धन पूजा है, कल भाई दूज है, भाई दूज तक छुट्टी रहता है, तो भाई दूज कल हो जा रहा है। और हम दोस्तों तबीयत खराब होने की वजह से मेरी 2 दिन से कपड़ा रखा हुआ है, दिवाली के दिन तो मैं फोल्ड कर दी थी, और कल और आज का 2 दिन का कपड़े रखना है, यहाँ चेयर पर रखे हैं सब कपड़े, अब जाएंगे फोल्ड करेंगे सारे। बहुत काम कुछ नहीं, बस कपड़े नहीं फोल्ड किए थे, और सब तो काम, तबीयत भी खराब हुआ तो करना ही पड़ता है, क्योंकि कपड़े तो मशीन है तो मशीन में धुल देते हैं, मन भी नहीं किया तो चलो मशीन में डाल दो धुल आ जाता है, पर फोल्ड तो करना हाथ ही से है, मशीन से तो फोल्ड नहीं कर सकते हैं क्योंकि मशीन नहीं है फोल्ड करने वाला, इसलिए। और मेरी कृति यहाँ सो गई है और क्रेस खेल रहा है, इसके पापा उधर फोन देख रहे हैं, हम बैठे हैं आप लोग से बात कर रहे हैं। चलिए दोस्तों फिर कुछ देर में हम आप लोग से बात करते हैं, कपड़े में तह लगा लेते हैं। देखिए दोस्तों हम छत पे आए इन लोग को घुमाने, देखिए ये कृति क्या कर रही है मेरी बेटी को देख लीजिए, बस इसको तो मिट्टी में ही मन लगता है, देख रही है ये बस इसी के बाल्टी के पौधे के सब आस पास घूमती रहेगी, अब बोल रहे हैं ना तो कैसे भाग रही है। कृति बहुत बदमाशी करने लगी हो, और क्रिस एकदम शांत है, क्रिस बहुत गुड बॉय हो गया है, अब बदमाशी बहुत कम करता है ना बेटा, हाय क्रिस। और ये देखिए मेरे छत पे लाइट वाइट भी लगी है, अभी नहीं खुला है शायद, पता इधर तो छठ होता नहीं है तो छठ बाद क्यों खुलेगा, इधर तो अभी ही खुल जाएगा। हाय क्रिस, हाय करो, कैसे हो बेबी? कृति, कृति यहाँ बैठ गई है अपना और चप्पल को,
क्रिश इधर इधर क्रिश इधर इसमें आ जा। दौड़ 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 तो क्रिश दौड़ दौड़ो 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 दौड़ो। यहाँ देख रही है क्रिश बहुत मस्ती कर रहा है, बहुत ज्यादा यहाँ रेस लगा रहा है और इसके पापा भी बोल रहे थे दौड़ो दौड़ो मम्मी के पास। दोस्तों आप लोग फुल एंजॉय करिए, वीडियो देखिए फुल बिना स्किप किए। दोस्तों यहाँ हम भारत माता के मंदिर गए थे बहुत पहले, जो कि थोड़ा सा वीडियो था तो सोचे हम चलो लास्ट में थोड़ा बहुत डालते हैं। देखिए भारत माता हरिद्वार के, यहाँ के भारत माता मंदिर बहुत ही सुंदर, बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छा, यहाँ से नॉलेज मिलता है यहाँ आने के बाद बहुत। दोस्तों इसके बारे में, भारत माता के मंदिर के बारे में पूरा डिटेल जानना है तो आप लोग कमेंट करिएगा, वीडियो आप लोग को डाल देंगे। चलिए दोस्तों ये मेरा छोटा सा वीडियो, कैसा लगा कैसा नहीं आप लोग अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को मेरा सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन घंटी दबाना ना भूलिएगा, ताकि जो भी हम नए नए वीडियो डालेंगे तो आप लोग के पास नोटिफिकेशन चला जाए जल्दी से। चलिए दोस्तों ये मेरा, ये देख रहे हैं भारत माता का मंदिर, ये छोटा सा वीडियो आप लोग को कैसा लगा कैसा नहीं कमेंट करके बताइएगा, और फुल वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करिएगा फुल, और इसके बारे में ए टू जेड हम बताएँगे भारत माता के।